इसके 70 मार्क्स आए थे, 70 मार्क्स, और अनुसूचित जाति के लिए कटअप कितना था? 46 था। इसकी नौकरी इसके दरवाजे तक आके चली गई। नीतीश कुमार होश में हो, ये आरक्षण ने किया है। एक शिक्षक बनते बनते रह गया और एक प्रोफेसर बनते बनते रह गया। नीतीश कुमार की एक डिसीजन है। हम भाजपा से मिले, नेताओं से मिले, सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री से मिले और कह के भैया पान समाज पे कृपा करो और 48 नंबर पे तांती तत्वा है उसको डिलीट कर दो, सुप्रीम कोर्ट में हम जीत जाएंगे। ठाकुर रथ हम पान है, चलो गांधी मैदान, पान एकता जिंदाबाद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज को, मेरा नाम अभिषेक है। हाको रथ हम पान है एक पान आंदोलन के तहत आज जयनगर में बड़ी रैली हुई है। जिसमें हजारों लोग शामिल हुए हैं। इस दौरान हजारों लोगों के बीच इंजीनियर आईपी गुप्ता, अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष, ने बड़ा ऐलान किया है और साफ साफ कहा है कि अब पान का बेटा, पान समाज का सीएम होगा, पीएम होगा, और पान समाज का सीएम पीएम होगा तो हमें आरक्षण मिलेगा। सब ने हमें ठगा है, लेकिन अब हम ठगाने वाले नहीं हैं, अब हम जाग चुके हैं। और नीतीश मोदी को खुली चुनौती भी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता मंच से, पहले आप वो सुनिए। और नीतीश कुमार की कलम कसाई ने इसको प्रोफेसर से फिर वापस भेज दिया और कहा कि जाओ, तुम बेरोजगार रहो, तुमको नौकरी करने का अधिकार नहीं। ये किसने किया? एक लड़का है मनोज दास, बेनीपट्टी का, महादेवपट्टी का एक मनोज दास है। उसके माँ बाप नहीं है, उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मंच पे आ रहा है। अब समझिए कहाँ आया वो। राजा बाबू, तुम उतना बड़ा दूल्हा मत मनो कि एकदम बारात लेने जाएगी, जल्दी आ भाई, तू जल्दी आ जा इधर। ये देखिए, इस लड़के को देखिए, आरक्षण ने इसके साथ क्या किया। इसके 70 मार्क्स आए थे, 70 मार्क्स, और अनुसूचित जाति के लिए कटअप कितना था? 46 था। 46 नंबर लाया, 70 नंबर लाया और कटअप कितना था? 46। और ईबीसी का कितना कटअप मार्क है? 82-85 है। इसकी नौकरी इसके दरवाजे तक आके चली गई। नीतीश कुमार होश में हो, ये आरक्षण ने किया है। एक शिक्षक बनते बनते रह गया और एक प्रोफेसर बनते बनते रह गया। नीतीश कुमार की एक डिसीजन है हमारे बच्चों की। ये तो दो बानगी दिखा रहा हूं आपको। एक आदमी यहां है बता रहा है कि 66 नंबर लाके नहीं बन पाया। कितने हेडमास्टर है जो नहीं बन पाया है। नीतीश कुमार चाहते थे रिव्यू पिटीशन में जाते थे, यार शिक्षक होता और ये असिस्टेंट प्रोफेसर होता और ये लड़का भी शिक्षक होता, कितने लोग दरोगा होते। नीतीश कुमार जी ने ये किया। खैर, रिव्यू पिटीशन में नहीं गए, वो चाहते थे ये काम और कर सकते थे। वो नियम है कि नौकरियों के नियुक्तियों में, नामांकन में और प्रमोशन में जब विज्ञप्ति निकल जाती है तो बीच में आप प्रक्रिया को नहीं बदल सकते, कोई नियमों को नहीं बदल सकते। और नीतीश गवर्नमेंट की जो सारे ऑफिसर्स हैं उस सारे नियमों को धज्जा देताते हुए बताते हुए सारे नियम बदले। तो वो कहते, नीतीश कुमार के पास एक और मौका था, वो कहते कि बिहार सरकार का एक चिट्ठी है 2012 का, जिसमें स्पष्ट लिखा है, कैबिनेट का डिसीजन है, कानून विभाग का सलाह है कि नियुक्तियों के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते, कोर्ट का आदेश है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नियुक्तियों के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते।
नीतीश सरकार अगर नीतीश जी चाहते तो अफसरों को बुलाते और कहते आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लाखों पान समाज के बच्चे का भविष्य खतरे में है, वो चाहते तो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। एक चीज और कर सकते थे, अगर वो चाहते तो आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिना नीतीश कुमार के सहारे से नहीं चल रही है। वो एक फोन उठाते और कहते अमित भाई हमने तांती ततवा को पान बनाया है और जिस नोटिफिकेशन से हमने पान बनाया था उस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, इसलिए जिस तरह से अन्य डिसीजन को आप अध्यादेश लाके उसको रोक रहे हो, एक अध्यादेश लाइए और पान को तांती ततवा मत बनने दीजिए, इनको पान बने रहने दीजिए। नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वो चाहते थे ऐसा कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। बात यही नहीं रुकती है, बात आगे तक जाती है। ये 9 साल में हमने पानी पीपी के मोदी जी को और नीतीश जी को वोट दिया। हम दिल्ली दौड़ते रहे कि यहां तो हम तांती ततवा नीतीश कुमार जी ने विलोपित कर दिया है, केंद्र सरकार में 48 क्रमांक पे तांती ततवा बना हुआ है। हम नित्यानंद राय जी से मिले, हम भाजपा से मिले, नेताओं से मिले, सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री से मिले और कहे कि भैया पान समाज पे कृपा करो और 48 नंबर पे तांती ततवा है उसको डिलीट कर दो, सुप्रीम कोर्ट में हम जीत जाएंगे। नित्यानंद राय जी और भाजपा ने ये बात कितने बार गए हवाई जहाज की टिकट कटाई और गए मिले, सर झुकाया। भाजपा ने कहा अरे आईपी गुप्ता तुमको क्या पता, तुम्हारे जो पान समाज के लोग हैं ना वो नारा लगा रहा है, टिक यहां टिक्का लगा रहा है, जय श्री राम बोल के वोट दे रहा है, तुम्हारे बोलने से क्या होगा, तुम चाहे इधर चलो मत पीछे नया जवान, आईपी गुप्ता मत घबराना तेरे पीछे नया जवान, इधर उछलो और उधर उछलो कुछ नहीं होने वाला, हम डिलीट नहीं करेंगे। तो आखिरी लात जिसने मारी वो भाजपा की सरकार है। तो हमारे लिए न कांग्रेस हमें मदद किया, न राजद किया, न जदयू किया, न भाजपा किया, तो हमारे पास क्या चारा था भाइयों? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमारे पास कोई चारा नहीं था। तो आईपी गुप्ता ने सोचा लड़ना होगा, हमें अपने लोगों के बीच में जाके कहना होगा कि तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है, मैदान में निकालो, मैदान में निकलो, तलवार निकालो और कहो कि हां को रथ हम पान है, पान है हम पान है, पान है पान है, हां को रथ हम पान है, पान है पान है। हमारी स्थिति ठीक उसी तरह हो गई, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में बीचों बीच हमें हेलीकॉप्टर से गिरा दिया गया। और मेरे पास जब मैं इधर देखता हूं बाएं तो पानी है, इधर देखता हूं तो कोसों पानी है, आगे पीछे देखता हूं तो कोसों पानी है और सामने जदयू और भाजपा नामक दो मगरमच्छ खड़ा है हमें निगलने के लिए, हमें खाने के लिए। तो उस समय अगर आपको समुद्र में फेंक दिया जाए और मगरमच्छ खड़ा हो तो आप क्या करेंगे? आप अंतिम सांस तक लड़ेंगे और मगरमच्छ से बचने की कोशिश करेंगे, उसको गुप्ता मत घबराना तेरे पीछे नया जवान। और इसीलिए हाकू रथ हम पान का जन्म हुआ, जो लड़ा नहीं है उसको कोई अधिकार नहीं मिला। एक सीधा साधा बेटा को भी उसका भाई ठीक से हिस्सा नहीं देता है तो आरक्षण आपको वापस दे देगा? अगर वो जानता है, अगर वो आरक्षण दे दिया तो आपका बेटा
आपकी बेटी आईएएस बन जाएगी, डीएम बन जाएगी, आईपीएस बन जाएगी, डॉक्टर बन जाएंगे और आप मजबूत हो जाएंगे। आप जब मजबूत हो जाएंगे तो जिसको श्री राम जय श्री राम कह के वोट दे रहे हैं उसको वोट दीजिएगा, दीजिएगा नहीं। इसलिए जिंदाबाद हमारे जो नेता है वो कहते थे कि 50 बरस से हम पान हैं, 50 बरस से पान है या 1978 से हम पान हैं, तो भैया तुम कर क्या रहे थे? अगर हम 78 बरस से पान रहते तो पान समाज में 100 आईएएस 100 आईपीएस होता अभी कि नहीं होता, सैकड़ों एसडीओ होता कि नहीं होता, होता। हमारे पास मंत्री एमएलए होते कि नहीं होते? होते। ये हमारी माँ बहने के चेहरे पे जोर और रौनक नहीं है, इनके घर में एक दरोगा होता तो उनके घर की हालत बदलती कि नहीं बदलती? बदल जाते। इसलिए वो चाहता है कि आप जहां हैं वहीं रहिए। मधुबनी में 5 लाख पान जाति के लोग हैं, तांती तत्वा के लोग हैं। मधुबनी जिला में 7 लाख हम लोग पान समाज के लोग हैं, 7 लाख है। अब जरा इधर आइए, ये बोल रहे हैं कि 7 लाख है जी, 7 लाख है। तो 7 लाख है तो आपको एमएलए के टिकट को दिया? कोई नहीं पान दिया। समाज का हमको कोई नहीं दिया एमएलए की टिकट, एमएलए टिकट नहीं दिया, एमपी का टिकट दिया, एमएलए एमपी का भी नहीं दिया, एमएलए का नहीं दिया एमपी का कौन देगा? नहीं दिया। ये जो नगर निगम है मधुबनी उसका चेयरमैन बनाया? नहीं। प्रमुख बनाया? नहीं। मुखिया में खड़ा होते हैं जितने देता है? नहीं जितने देता है, नहीं देता है। तो आप क्या करते हैं? इसलिए नहीं देता है कि ये जो भीड़ आप लगाते हैं, भीड़ हमारा माँ बहन भाई सब यहाँ, और आप उसको टीका लगा के किसको बिठाते हैं? जब वहां आप बिठाते रहते हैं तो क्या लगता है कि आपको अपने बगल में बैठने देगा? नहीं बैठने देगा, नहीं बैठने देगा, नहीं। ये इसलिए मैं कहता हूं कि आपने जो गलतियां किया है, आईपी गुप्ता और आईपी गुप्ता अपने बच्चों को ये गलतियां नहीं करने देगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इसीलिए जिंदाबाद, और जिंदाबाद। और इसीलिए जान को हथेली पे लेके आईपी गुप्ता निकला, कहा है हाको रथ हम पान। ये हाको रथ हम पान सिर्फ आरक्षण बना, आरक्षण वापसी के लिए नहीं है, सत्ता में हिस्सेदारी के लिए है। हेलो, ऐ बच्चा के जी आदमी देख रहे हैं जिनका बच्चा है, तो अब मेरी बारी है कि मधुबनी में भी एक एमएलए हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पान समाज जिंदाबाद। तो हाको रथ हम पान हर एक जिला में एक नेता पैदा करना चाहता है, वो मधुबनी में हमारा एक एमएलए हो, जम्मू में हो, दरभंगा में हो, सहरसा में हो, सीतामढ़ी में हो, हाजीपुर में हो, हर एक जिला में एक नेता पैदा करना। आप जरा सोचिए, अगर हमारे पास महज एक एमएलए होता, मैं 5 की बात नहीं कर रहा, एक एमएलए होता तो जो माननीय मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिले वो एमएलए जाता और उनके पास सदन में कहता, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा समाज के लोग आपसे मिलना चाहता है और आप नहीं मिलिएगा, कर सकता था कि नहीं? कर सकता था, कर सकता था। और वो हमें समय दे सकते थे कि नहीं? दे सकते थे, दे सकते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर एक एमएलए होता हमारा तो ये बात हो सकता था, और अगर 5 एमएलए होता तो ये अध्यादेश नीतीश कुमार ला पाते? हम लोग लाने देते उसको? नहीं लाने देते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हाको रथ पान जब खत्म होगा तो हम सदन में अपना 10 एमएलए बना के दम लेंगे, 10 एमएलए, एक दे छोड़िए 10 एमएलए। हाको रथ हम पान है, है पान है। 10 एमएलए, ये जो 10 एमएलए है, ये 10 एमएलए जब कैबिनेट का डिसीजन होगा
तो कहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी हम साइन नहीं करेंगे, हमको पढ़ने दीजिए इसमें क्या लिखा है, आप हमको पढ़ने दीजिए इसमें क्या लिखे हैं, और अगर नहीं पढ़ने दीजिएगा तो हमको बताइए कि पान समाज के लिए तांती ततवा के लिए आपने क्या लिखा है। इंजीनियर आरपी गुप्ता जिंदाबाद। और जब आप नहीं बताएंगे तो हम आपका विधानसभा नहीं चलने देंगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और यही नहीं होगा, हमारा एमएलए विधानसभा में हल्ला हंगामा मचाएगा और आईपी गुप्ता रथ लेके घूमेगा, आरक्षण वापस दो, आरक्षण वापस दो, हमारा आरक्षण वापस दो, हमारा आरक्षण वापस दो। और हमारा एमएलए खड़ा होके विपक्ष के नेता और माननीय मुख्यमंत्री कहेगा कि हमारा नेता आईपी गुप्ता 3 बरस से सड़कों पे रथ को हांक रहा है और आप मुझे आरक्षण नहीं देंगे, हम विधानसभा नहीं चलने देंगे, यानी हमारा नेता वहां आंदोलन करेगा और आईपी गुप्ता सड़क पे बाहर आंदोलन करेगा, सदन और सड़क पे आंदोलन चलाने का नाम है हां को रथ हम पान है। पानी एकता जिंदाबाद। और ये बात लिख लीजिए, 2019 में मेरा टिकट काट दिया जमुई से एमपी का, और अगर मैं एमपी होता, अकेला आईपी गुप्ता अगर एमपी होता तो नरेंद्र मोदी को नाक में दम कर देता। जनता तेरे साथ है। डिलीशन नहीं करेंगे आप, इसलिए आईपी गुप्ता वहां पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, लेकिन ये आंदोलन हमारा 5 एमपी चुनने का निर्णय लेगा, तय करेगा, निश्चित करेगा, हमारा 5 एमपी जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। यही नहीं, हम 5 समाज के लोग तय करेंगे मधुबनी में, दरभंगा में, जमुई में, बांका में, सीतामढ़ी में, हाजीपुर में, हम लोग तय करेंगे। अगर 5 समाज का टिकट चाहते हो, वोट चाहते हो, तय करो, आ जाओ, कुर्सी लगाओ, बैठो, चाय मंगाओ और बोलो। अगर एमएलए का टिकट नहीं दे रहे हो तो निश्चित करो कि नगर निगम का चेयरमैन हमको बनाओ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बनाओ, अगर इतना प्रखंड है, अगर 50 मुखिया है तो 20 मुखिया हमको बनने के गारंटी दो पार्टी वाले। हां को रथ पान मधुबनी के 5 समाज को मजबूत करेगा और कहेगा अब नहीं चलेगा, हमको हिस्सा दो, इसी का नाम है हां को रथ हम पान है। हमारे आरक्षण वापस दो, हमारा आरक्षण वापस दो। और जानते हैं कैसे होगा ये सब संभव, कैसे हो सकता है ये संभव? महज एक ही तरीका है उसका, कि हम अपने वोट से सामने वाले राजनीतिक पार्टियों को कैसे डरा सकते हैं। वोट हमारा था लेकिन कोई कहता था 5 समाज के लोगों को ये वाला तो राजद का है, ये ब्लॉक का। भाजपा कहता था यहां वाला तो मेरा है, जदयू वाला कहता ये तो मेरा है, बपौती है तुम्हारा। हां को रात पान कहेगा कि 5 समाज के वोटों पे, ताती ततमा के वोटों पे सिर्फ 5 समाज का अधिकार होगा, कोई बपौती नहीं कर सकता। 5 समाज जिंदाबाद। हम बिखरे थे, हमारे लोगों को लड़ा लड़ा के आपस में कंधा पे हाथ रख के हमारा वोट लेता था और हमारे पेट में छुरा मारता था। हां को रथ हम पान उसके बढ़ते छुरे को रोकेगा और कहेगा कि बिहार में 20 लोकसभा का सीट ऐसा है जहां पे 5 समाज डिसाइड करेगा कौन एमपी होगा कौन नहीं होगा।
जिंदाबाद जिंदाबाद। मधेपुरा जादवों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक पान समाज का है। जिंदाबाद। सहरसा में एक एक वार्ड 10-10 हजार का है। बिहार में सबसे ज्यादा अगर पान समाज है तो वो सहरसा है। पानी एकता जिंदाबाद। और मैंने कहा है कि सहरसा पान समाज का राजधानी बनेगा। अब वो मैं 15 दिसंबर को करके बता दूंगा कि राजधानी कैसे। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। आप समझिए, सहरसा में अगर जादवों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक पान समाज का, तो एक भी एमएलए का टिकट दिया? नहीं दिया। नगर निगम का चेयरमैन बनाया? नहीं बनाया। भैया एमएलए छोड़ो, प्रमुख नहीं बनने दिया। और कोई नेता अगर वहां पान समाज का नेता उभरता है तो उसको कोने में ले जाता है, श्याम सुंदर तांती जैसे लोगों को चाकू निकालता है, भोंकता है पेट में, इतनी चाकू मारता है, उसके जीभ काटता है, उसकी आंखें निकाल लेता है। नामर्द हैं हम लोग कि जादवों के बाद सबसे बड़ी संख्या होने वाले लोगों के बाद हमारे लोगों को मारा जा रहा है। सर हां को रथम्पान वो निश्चित करेगा कि तुम्हारी उठने वाले आंख को हम निकाल लेंगे। इसीलिए हां को रथम्पान 100 मर्द पैदा करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो बताएगा जिंदाबाद। और वो बताएगा कि राजनीति कैसे होता है। आपको शायद नहीं पता कि बिहार में 150 विधानसभा का सीट ऐसा है जहां 5,000 से लेके 75,000 तक हमारा वोट है। और आपको नहीं पता कि बिहार सरकार का बहुत सारा मंत्री को 3,500 बन के मंत्री बनाए जीत के, कोई 1,500 कोई 800, भाजपा राजद का बहुत सारा नेता 350-400 में जीता है। उन सारे लोग कहता हूं भैया घर जाओ और गणना कर लो, जहां आप इतने कम वोटों से जीते हो वहां पान समाज के लोग 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वोट 150 छोड़िए, अगर 50 सीट पे हमने खेला कर दिया तो बिना पान समाज को आप मुख्यमंत्री बनने की सपना नहीं देख सकते। नीतीश मोदी होश में आओ। नीतीश मोदी होश में आओ। हमारा आरक्षण वापस दो। इनमें से बहुत लोगों का आरक्षण वापस नहीं जाए, आपका जवाब नहीं दे रहा है लोग। और यही मैं कुरत में प्रिंटिंग मशीन पे काम करता है, कपड़े पे प्रिंटिंग कर रहा है। मेरे गांव के लगभग 30% लोग राजमिस्त्री मार्बल मिस्त्री बन के कहीं है। मैं उन लोगों से कहता हूं तुम मिस्त्री बन गए, मजबूर थे तुम मार्बल मिस्त्री बने, तुम लेबर बन गए। अगर तुम अपने बच्चे को लेबर मिस्त्री मार्बल मिस्त्री नहीं बनाना चाहता है तो ट्रेन पकड़ो, ट्रेन को बनाओ रथ और कहो हाको रथ हम पान है, चलो गांधी मैदान। एकता जिंदाबाद। यही दो मंत्र है। 10 लाख, 10 लाख सभी जातियों को लोग मिला के गांधी मैदान भरता। अगर हम एक जाति के लोग अगर हम गांधी मैदान भर देते हैं उस मैदान के मंच से, उस मैदान के मंच से आईपी गुप्ता को डेट बताएगा कि आरक्षण किस दिन आ रहा है। यही नहीं, आरक्षण उस डेट से मिलेगा, मैं डेट बताऊंगा। जेपी आंदोलन जब खत्म हुआ तो लालू यादव, मुलायम सिंह, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार सब नेता बने, सब मुख्यमंत्री बना, कोई मंत्री बना। और वो पान आंदोलन से, उस गांधी मैदान से पूरे देश में 5 करोड़ तांती तत्वा गारंटी करेगा
कि पान समाज का भी पीएम और सीएम होगा, एमएलए एमपी तो छोड़ो, वो 10 लाख भीड़ तय करेगा। तो मुझे आरक्षण इसलिए दो कि हमारे बेटी बेटियां भी डीएम और एसपी बनेगा और हम अपने 5 करोड़ वोट 80 लाख के वोट से हम भी बिहार का सीएम बनेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बताइए कौन कौन लोग हैं जो दूसरा दिन हमको देना चाहता है सतुआ बांध के गांधी मैदान जाना चाहता, हाथ उठाइए। और आप लोगों से एक आखिरी बात महिलाओं से मैं कहने जा रहा हूं। एक गांव है पश्चिम चंपारण में, जब मैं वहां गया तो वहां की महिलाओं ने मुझे राखी बांधी। मैंने कहा कि पटखौली गांव है वो पटखौली, मैं कहा तुम तो मिठाई हमको खिलाया नहीं, हम तुमको पैसा नहीं देंगे। तू लड़कियां थी, वो बोलती भैया पैसा मत दीजिए, आरक्षण वापस दे दीजिए। हमारा आरक्षण वापस दो, हमारा और आपका इस सरकार ने चीर हरण किया है। तो हे जननी, हे पान समाज के जननी, जिस तरह से द्रौपदी ने कसम खाया कि मैं जब तक अपनी केस को नहीं धोऊंगी, अपने केस को नहीं बांधूंगी, जब तक दुशासन का खून नहीं हमारे पास आ जाए, आप कसम खाइए कि आप जब तक प्रण लेती हैं कि जब तक आरक्षण वापस नहीं आ जाए, आप अपने घर में अपने पति को अपने बच्चे को स्वयं को कहते रहेंगे आको रथ हम पानी एकता जिंदाबाद, आपी गुप्ता जिंदाबाद, हमारा रक्षण वापस दो। अच्छा इसमें से कितना लोग है जो हमको राखी बांधेगा, हाथ उठाइए। तो आपने सुना कि इंजीनियर आईपी गुप्ता ने मंच से क्या कुछ कहा है, काफी सारी बातों को कहा है और खुली चुनौती दी है सरकार को। तो बने रहिए लाइफ इटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।